आखिरी क्लास में हम लोगों ने नेचर ऑफ लोकेशन ऑफ रूट्स को खत्म किया था ना। क्या किया था भाई आखिरी क्लास में? लोकेशन ऑफ रूट्स को हम लोगों ने कंप्लीट किया था, और जैसा कि कमिटमेंट किया था कि आज के दिन सिर्फ प्रॉब्लम करेंगे लोकेशन ऑफ रूट्स पे। लोकेशन ऑफ रूट्स के प्रॉब्लम उन्हीं बच्चों को बनने वाले हैं जिनको इनइक्वालिटी अच्छे से आता होगा, और जिनको इनइक्वालिटी नहीं आता है तो पहले इनइक्वालिटी के लेक्चर्स देखें, फिर लोकेशन ऑफ रूट्स के क्वेश्चंस करें, अदरवाइज कुछ होने वाला नहीं है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते। क्वेश्चन नंबर वन लोकेशन ऑफ रूट्स के बेसिक प्रॉब्लम से स्टार्ट करते भाई साहब। लिखेंगे क्वेश्चन है, लेट एक्स स्क्वायर माइनस एम माइनस थ्री इंटू एक्स प्लस एम, एक्स स्क्वायर माइनस एम माइनस थ्री इंटू एक्स प्लस एम इक्वल टू जीरो, वेयर एम बिलोंग्स टू रियल नंबर। एम क्या है भैया? एम बिलोंग्स टू रियल नंबर। बी अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड द वैल्यू ऑफ एम फॉर विच roots are real and distinct। पहला क्वेश्चन में मतलब इसी प्रॉब्लम में अगर मैं देखूं, आपसे बस पूछा गया है कि भाई जरा बताएंगे कि m की वो वैल्यू बताओ जिसके लिए रूट्स क्या हो भाई, रियल हो और distinct। तो रियल का मतलब और डिस्टिंक्ट का मतलब क्या होता है भाई? रियल का मतलब क्या हो गया कि रूट्स रियल है, इसका मतलब डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन जीरो है, ठीक है, और डिस्टिंक्ट बोला है ना, तो ग्रेटर देन जीरो सही है, राइट है। तो कंडीशन क्या निकालेंगे भाई रियल एंड डिस्टिंक्ट के लिए? क्या डी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो करूं या डी ग्रेटर देन जीरो करूं? बोले मेरा क्वेश्चन ये है सर, प्रॉब्लम में बोला गया है रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट बोला गया है ना, तो क्या मैं d ग्रेटर देन जीरो करूं या d ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो करूं? अगर मैं इक्वल टू कर दिया तो रूट्स रियल तो होगा बट वो डिस्टिंक्ट नहीं होगा, सेम हो जाएगा, है ना। तो पहला क्वेश्चन क्या हो जाएगा आपको, क्या निकालना पड़ेगा? डिस्क्रिमिनेंट निकालें, तो d ग्रेटर देन इक्वल टू से d ग्रेटर देन जीरो कर दें। जल्दी से करें सॉल्व। डिस्क्रिमिनेंट निकालें भाई, d निकालें, डी निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है भाई? बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। आपने बोला सर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन जीरो है, ये आप बोल रहे हो, मैं नहीं बोल रहा हूं, ठीक है। हाँ जी, तो बी क्या है भाई जरा बताओ, बी क्या है आपके पास? माइनस एम माइनस थ्री का होल स्क्वायर माइनस फोर, ए क्या है आपके पास? वन है, ए क्या है? वन, और सी क्या है? एम। तो क्या मिल गया ये? m माइनस थ्री का होल स्क्वायर माइनस फोर एम, सही है, सभी का आया था। अब भाई इनको देख के बस आप एक ही चीज कर सकते हो, a माइनस बी का होल स्क्वायर अप्लाई कर सकते हो, है ना। अगर आपने अप्लाई किया a माइनस बी का होल स्क्वायर तो मिलेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, सही है भाई साहब। तो यहां से क्या लिख देंगे आप? एम स्क्वायर माइनस टेन एम प्लस नाइन। क्या आप ऐसे प्रॉब्लम का फैक्टर निकाल सकते हो भाई? फैक्टर तो निकाल पाओगे ना, तो फैक्टर निकालोगे तो क्या मिलेगा भाई? एम स्क्वायर बोलो माइनस नाइन एम माइनस एम प्लस नाइन।
अब ये जो पार्ट आ गया, ये आ गया आपका इनइक्वालिटी का, किसका पार्ट आ गया, इनइक्वालिटी का पार्ट आ गया। और इनइक्वालिटी मैं जहां समझता हूँ कि आप लोगों ने बेसिक मैथमेटिक्स में ही इनइक्वालिटी पढ़ लिया था, अरे बोलो यार, तो आपका मिल गया m माइनस वन इज ग्रेटर देन जीरो। चलिए जिन्होंने इनइक्वालिटी नहीं पढ़ा है तो प्लीज इनइक्वालिटी पहले देख लें, समझ लें, फिर लोकेशन ऑफ रूट्स के क्वेश्चन करेंगे तो आपको मजा आएगा। अब वहां पर मैंने एक छोटा सा फंडा बताया था कि यहां पर छोटा नंबर कौन सा है, वन है, तो छोटे का राजा माइनस इन्फिनिटी और बड़े का राजा प्लस इन्फिनिटी इनइक्वालिटी के रूल के अकॉर्डिंग, ठीक है। अगर आप उस रूल से अगर नहीं जाते हो, मतलब ट्रिक से नहीं जाते हो, तो मेथड क्या बताया था कि सिलेक्ट करना है आपको ऑड ब्रैकेट पावर को सिलेक्ट करना है और इक्वेट करना है जीरो के साथ, और जो भी नंबर आएगा उसको नंबर लाइन पे बिंदास प्लॉट करना है। तो आ गया वन और नाइन। राइट मोस्ट साइड से साइन देना था भाई, प्लस माइनस प्लस, आपकी डिमांड क्या है, प्लस की डिमांड है, तो प्लस कहां से कहां दिख रहा है भाई, माइनस इन्फिनिटी से वन की ओर, तो एम बिलोंग्स टू क्या मिलेगा, माइनस इन्फिनिटी से वन, क्योंकि इन्फिनिटी पे और माइनस इन्फिनिटी पे ऑलवेज ओपन इंटरवल रहता है, इसलिए ओपन इंटरवल की बात कर रहे हैं। सर यहां पर इक्वल टू साइन नहीं है, डेट्स वाई यहां पर ओपन इंटरवल रहेगा। यूनियन प्लस साइन कहां पर है आपका, नाइन से इन्फिनिटी। उम्मीद करता हूं कि सभी पब्लिक का ये आंसर आया होगा, सही है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाएं, इसके पॉइंट नंबर टू, सेम प्रॉब्लम में पॉइंट नंबर टू की बात कर लेते हैं। पॉइंट नंबर टू बोला है, लिखेंगे पॉइंट नंबर टू, रूट्स आर रियल एंड इक्वल, नहीं वनली रूट्स आर इक्वल करो, वनली क्या रूट्स आर इक्वल, मतलब इक्वल हुआ, मतलब सिंपल सी बात है, रियल और इक्वल ही हो गया ना भाई, तो क्या आएगा, डी इक्वल टू जीरो कर लेंगे, मतलब ये सिलसिला चलता रहेगा, बस जहां पर ग्रेटर देन है वहां पर इक्वल टू हो जाएगा, इक्वल टू कर दोगे जिस दिन आप, तो उस दिन दिखेगा एम इक्वल टू वन और एम इक्वल टू नाइन। क्लियर है सभी को? अरे भाई इक्वल टू के लिए क्या करते हैं, डी इक्वल टू जीरो करते हैं, तो डी इक्वल टू जीरो करोगे तो ये बस जहां ग्रेटर देन है वहां पे इक्वल टू साइन हो जाएगा भाई। अरे बोलो ना यार, जहां ग्रेटर देन वहां क्या हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा, कोई समस्या तो नहीं है। देखो यही चलेगा सब चीज, बोलो, अरे बोलो ना यार, यहां पर इनइक्वालिटी का कोई रोल नहीं है, तो m इक्वल टू कितना भाई, वन और नाइन, सही है। m इक्वल टू क्या आ जाएगा, वन आ जाएगा, और क्या आ जाएगा भाई, और क्या आ जाएगा, नाइन आ जाएगा, कोई दिक्कत। नेक्स्ट पॉइंट नंबर थर्ड की बात कर लेते भाई साहब, बोला है रूट्स आर नॉट रियल, रूट्स रियल नहीं है, तो उस केस में आप बोलोगे सर सेम प्रॉब्लम में आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ चेहरा पलटना है इनइक्वालिटी का। अरे बोलो यार, मतलब अगर डी अगर लेस देन जीरो हो जाए तो रूट्स रियल नहीं होते हैं, सही बोल रहा हूं मैं या गलत बोल रहा हूं? चलिए, और ये कहानी जब आती है तो आपको हमेशा याद आएगा इनइक्वालिटी का शॉर्ट ट्रिक शेर वाली कहानी, और भाला दिखाया तो शेर डर जाएगा, और शेर डरेगा तो अपनी वैल्यू में छुप जाएगा, मतलब एम की वैल्यू क्या होगी, एम बिलोंग्स टू वन से लेकर नाइन, सही है। अदरवाइज जिनको ये भाला वाली कहानी याद नहीं है, जो छोटे मोटे प्यारे नन्हे मुन्ने राही हैं, माइनस इन्फिनिटी इन्फिनिटी सर, वही चीजें, ये वन और ये नाइन, सर प्लस माइनस प्लस, पब्लिक का डिमांड क्या है, लेस देन है मतलब नेगेटिव साइन, तो नेगेटिव साइन ये वाला नेगेटिव साइन है, तो आंसर क्या मिलेगा, वन से लेकर नाइन तक। ओके, नेक्स्ट केस नंबर फोर, रूट्स आर अपोजिट इन साइन, रूट्स आर अपोजिट इन साइन, मतलब दोनों रूट्स जो हैं वो साइन में अपोजिट हैं, एक प्लस हुआ तो दूसरा माइनस होगा, इसका मतलब क्या होगा, जल्दी बताएं, दिमाग लगाएं, दो मिनट जल्दी से सोचें,
रूट्स आर अपोजिट इन साइन के लिए कंडीशंस क्या बनेंगे? मतलब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की बात कर ले अगर भाई साहब, अगर रूट्स आर अपोजिट इन साइन बोला गया है तो इसका मतलब प्रोडक्ट ऑफ, देखो सम ऑफ रूट्स से कुछ नहीं मिल सकता है, हो सकता है अगर आपने सम ऑफ रूट्स निकाला, अल्फा प्लस बीटा निकाला, अल्फा बराबर कि बीटा बराबर, मेरे को कुछ पता नहीं है, कुछ भी आइडिया नहीं है, ठीक है, तो मैं नहीं बोल सकता हूँ कि अल्फा प्लस बीटा माइनस मिलेगा या प्लस मिलेगा। हाँ, लेकिन अगर मैं, आपने बोला रूट्स आर अपोजिट इन साइन, दैट मीन्स अल्फा इंटू बीटा इज लेस देन जीरो। अगर अल्फा इंटू बीटा अगर लेस देन जीरो हो गया तो आपको पता है अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी बाय ए। कुछ पब्लिक ये सोच रही है अरे अल्फा पता है बीटा पता है 1 × 9 9, अरे ऐसा नहीं, अल्फा इंटू बीटा वो नहीं बोल रहा हूँ, अल्फा इंटू बीटा आपको एम की वैल्यू निकालनी है, तो अल्फा इंटू बीटा क्या होता है सी बाय ए, तो सी बाय ए निकालने का, उसको लेस देन जीरो कर देने का, जो भी आएगा वो आंसर। ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन क्या था, रूट्स आर अपोजिट इन साइन। रूट्स आर अपोजिट इन साइन में क्या बोलेंगे, अल्फा इंटू बीटा इज लेस देन जीरो, तो अल्फा इंटू बीटा मतलब सी बाई ए, अरे बोलो यार, लेस देन जीरो, तो सी कितना है एम है, ए कितना है वन है, लेस देन जीरो, इसका मतलब एम जो हुआ वो जीरो से छोटा होगा, और जीरो से छोटे का मतलब होता है भाई वो पूरी की पूरी क्या चाहता है, निगेटिव नंबर पार्ट, अरे बोलो यार, इसका मतलब इसको क्या पसंद है, एम बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से जीरो। सही है, समस्या तो नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर क्या है, 5। हाँ, रूट्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, रूट्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन। रूट्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन, मतलब अगर एक रूट्स, हाँ हाँ पकड़ लिया, अल्फा प्लस बीटा जीरो, अरे हाँ पक्का, निकालिए कंडीशन निकालिए फटाफट, रूट्स आर चलिए आगे सभी का, तो क्या निकालेंगे इसमें, अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे, अरे बोलो यार निकालेंगे ना, और रूट्स आर अपोजिट इन मैग्नीट्यूड बट इक्वल इन, क्या लिखा, सॉरी, रूट्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन, मतलब अगर एक रूट्स अगर 2 है तो दूसरा रूट्स -2 है, अगर एक रूट्स 3 है तो दूसरा रूट्स -3 है। क्या इस केस में डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन में डिस्क्रिमिनेंट क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बोल सकता हूँ क्या, नहीं। सम ऑफ रूट्स की बात कर लें अगर, तो आपको ये पता है कि सम ऑफ रूट्स जो होगा अल्फा प्लस बीटा जो होगा वो आपका जीरो होगा, होगा अल्फा प्लस बीटा क्या होगा जीरो होगा, तो सम ऑफ रूट्स कितना आ गया भाई, अल्फा प्लस बीटा जो होता है वो माइनस बी बाय ए होता है, क्योंकि अल्फा अगर 2 है तो बीटा माइनस 2 है, तो दोनों का सम क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा, तो अल्फा प्लस बीटा इज क्या माइनस बी बाय ए, तो माइनस बी, तो माइनस माइनस प्लस बाई ए, 1 = 0, एक आपका वैल्यू निकला होगा m इक्वल टू 3। सही है, सभी का आया यहाँ से, पक्का, कितने लोगों का आया था सही से बताना, झूठ तो नहीं बोल रहा। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पॉइंट नंबर 6। क्या हो गया, पॉइंट नंबर 6 है ना, लिखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, रूट्स आर
रूट्स आर पॉजिटिव, रूट्स कैसे हैं पॉजिटिव। सेम प्रॉब्लम में रूट्स कैसे हैं आपके पॉजिटिव में, जरा सोचेंगे सर रूट्स पॉजिटिव है इसका मतलब एक कंडीशन तो ये अपन बना सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा जो होगा ग्रेटर देन जीरो, सही है, अल्फा इंटू बीटा पक्का निकालिए कंडीशन फटाफट। क्या यहां पर ये चल सकता है डिस्क्रिमिनेंट की बातें, क्योंकि चल सकता है ना, क्योंकि रूट्स आर पॉजिटिव बोला है तो डिस्क्रिमिनेंट अगर इक्वल टू जीरो भी हो गया तो भी, अगर टू टू रूट्स आ गए तो भी पॉजिटिव है, डी ग्रेटर देन जीरो अगर आ गया तो भी पॉजिटिव है। अरे है या नहीं है, है ना, और सम ऑफ रूट्स भी पॉजिटिव होगा, अल्फा इंटू बीटा भी क्या मिलेगा पॉजिटिव मिलेगा, निकाल लिया वैसे भी ने, क्या आ गया अल्फा प्लस बीटा प्लस आपने निकाला होगा, अल्फा प्लस बीटा कितना होता है माइनस बी बाय ए, तो माइनस बी बाय ए एम इज ग्रेटर देन थ्री, बोलो सही है, सही है, बोलो ये सही है ना। सेकंड अल्फा इंटू बीटा बीटा ग्रेटर देन जीरो सी बाय ए मतलब m ग्रेटर देन जीरो, बोलो सही है। तीसरा डिस्क्रिमिनेंट जो होगा वो ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा, d की बात आपने की थी, निकाला था आपने पहले, देखो आपने निकाला है d ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो पे, क्या निकाला था आपने, अरे भाई पहला पॉइंट निकाला होगा ना यार, अरे जानवर यार सच में किस लोगों को मैं पढ़ा रहा हूँ समझ में नहीं आता, क्योंकि पहला पॉइंट आपने डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल एम की वैल्यू क्या आई थी वो तो बताओ, दे बुक्स दे, तो बताना क्या आया था ग्रेटर देन इक्वलिटी, चेंज नहीं कर सकता क्या उसमें, इनइक्वलिटी चेंज नहीं कर सकता क्या तू, गजब हाल है यार, मैंने डी वहां पे ग्रेटर देन जीरो लिया है तो इक्वल टू साइन के लिए वहां पे क्या करना है ये तो बता सकते हो ना यार, माइनस इन्फिनिटी टू वन यूनियन 9 टू इन्फिनिटी, सोच खुश रहा कहाँ है कहाँ है जानवर, सच में पढ़ा लिखा सब बेकार हो गया तुम लोगों को यार। चलिए अब ये तीन कंडीशंस हैं आपके पास, है ना, तीनों में क्या निकालना है आपको कॉमन निकालना है, इंटरसेक्शन लीजिए क्या आएगा जरा बताइए, नंबर लाइन पे इसको प्लॉट करें, माइनस इन्फिनिटी इन्फिनिटी, नंबर क्या क्या है भाई आपके पास, जीरो है, जीरो है, वन है, थ्री है, नाइन है। तो पहला उसने क्या बोला है आपको, पहला बंदा बोल रहा है m की जो वैल्यू है वो थ्री से ज़्यादा होना चाहिए, m क्या होना चाहिए आपको थ्री से ज़्यादा, अगर थ्री से ज्यादा किया m की वैल्यू ये इधर होगा। दूसरा बोला है आपको m जो होगा वो जीरो से ज्यादा होगा, तीसरा क्या बोला है भाई m का जो वैल्यू होगा माइनस इन्फिनिटी से वन क्लोज इंटरवल, नाइन टू इन्फिनिटी, सर तीनों में कॉमन क्या है, तलवार अगर रखोगे और तीनों का सर काटना है, सर तीनों में वन टू थ्री तीनों में कॉमन क्या है, तो कॉमन क्या है, कॉमन क्या है, ये कॉमन है और क्या कॉमन है तीनों में, बस तीनों में यार, तो क्या बनेगा m की वैल्यू क्या होगी, m बिलोंग्स टू, ये आपने क्लोज किया है क्लोज कट किया है मतलब m बिलोंग्स टू 9 टू इन्फिनिटी, हो गया।
प्रॉब्लम क्या दिया था, रूट सर, रूट सर नेगेटिव दिया, क्या बोला है, रूट सर नेगेटिव। अच्छा रूट सर नेगेटिव बोला है तो सबसे पहले आपके मन में सोचना चाहिए सर रूट, दोनों रूट्स नेगेटिव हो सकते हैं, अल्फा भी एंड बीटा भी। रूट सर नेगेटिव मतलब क्या, अल्फा भी नेगेटिव और बीटा भी नेगेटिव। जब अगर आपने अल्फा और बीटा जब निकालोगे, अल्फा प्लस बीटा करोगे, जब सम करोगे माइनस टू और माइनस थ्री तो माइनस फाइव मिलेगा। मैंने अगर एज्यूम कर लिया कि भाई एक रूट्स मान लो माइनस टू है, दूसरा रूट्स माइनस थ्री है, तो सम करोगे तो माइनस फाइव मिलेगा, और माइनस फाइव जो होगा वो लेस देन जीरो होगा। मतलब पहला कंडीशन होगा अल्फा प्लस बीटा लेस देन जीरो, दूसरा कंडीशन क्या मिलेगा भाई, अल्फा भी नेगेटिव है बीटा भी नेगेटिव है और माइनस माइनस प्लस होता है, तो इसका मतलब अल्फा इंटू बीटा इज ग्रेटर देन जीरो। तीसरा कंडीशन क्या होगा सर, अल्फा भी नेगेटिव है बीटा भी नेगेटिव है, तो इसका मतलब डिस्क्रिमिनेंट जो होगा वो ग्रेटर देन जीरो होगा या इक्वल टू जीरो होगा, क्योंकि उसने ये नहीं बोला है कि रूट सेम नहीं होना चाहिए। नेगेटिव हुआ तो माइनस टू भी हो सकता है, माइनस फाइव भी हो सकता है भाई, तो इसका मतलब डिस्क्रिमिनेंट वाला भी कंडीशन चलेगा यहां पर। तीनों के कंडीशन से जो निकालेंगे जो कॉमन आएगा वो आंसर होगा। एंड वाला कंडीशन है, जब आपने ये निकाला था अल्फा प्लस बीटा तो माइनस बी बाय ए आया, तो माइनस बी बाय ए मतलब एम माइनस थ्री इज लेस देन जीरो, अल्फा इंटू बीटा मतलब सी बाय ए आया, और यहां से अगर आपने निकाला था माइनस इंफिनिटी से वन यूनियन 9 टू इंफिनिटी। अब तीनों में भाई साहब कॉमन लेना सीखो। कॉमन कैसे लेते हैं, सबसे पहले आप नंबर लाइन ड्रॉ करो, नंबर लाइन, ये सब सारी की सारी कहानी मैंने सिखाया है भाई इनइक्वालिटी में यार। माइनस इंफिनिटी सोचते थे सर क्यों पढ़ा रहे थे ये इनइक्वालिटी, इसलिए पढ़ा रहे थे इसी दिनों के लिए। अब नंबर क्या क्या है, तो भैया नंबर में दिख रहा एक आपका यहां से कि भैया जीरो दिख रहा, वन आ रहा भाई, थ्री आ रहा और नाइन आ रहा। अब भाई मैं बोल रहा हूं भाई तीनों में कॉमन होना चाहिए, तीनों में कॉमन, तो भाई सबसे पहले पहला बंदे से बात कर रहा हूं अगर, तो बोल रहा है एम का जो वैल्यू है वो थ्री से कम छोटी होनी चाहिए, तो छोटा इधर या इधर, पक्का अगर ये छोटे हैं तो भाई क्लोज है या ओपन है, ओपन है, तो ओपन लगाया, ओपन मतलब ये यहां से यहां तक पूरा, बोलो सही है, पूरा दुनिया इसका नेगेटिव वाला, ठीक है। दूसरा बंदा क्या बोल रहा है कि भाई साहब मेरे को जीरो से तो बड़े वाले लोग चाहिए बट जीरो नहीं चाहिए, तो बोला ठीक है भाई तुमको जीरो से बड़ा चाहिए तो जीरो ही है, जीरो से बड़ा इधर होगा या इधर होगा, मतलब राइट साइड, तो इसका मतलब जीरो से बड़ा ओपन या क्लोज, सर इक्वल टू साइन नहीं है इसलिए ओपन। तीसरा बंदा क्या बोल रहा है सर माइनस इंफिनिटी से वन, तो माइनस इंफिनिटी मतलब ये माइनस इंफिनिटी से वन, वन पे क्लोज है मतलब डार्क इंटरवल, मतलब यस खाऊंगा मैं ये। आगे नाइन से इंफिनिटी, नाइन से अब अगर आप सच में दिमाग आपके पास है, मैंने सिर्फ एक ही बोला है तीनों में कॉमन क्या है, तीनों को कट करो, तलवार लो और कट करो, तलवार लेने का कट करने का, जैसे कट करोगे ये दिखेगा, ये दिखेगा सर ये गोला को कट किया इसका मतलब ये नंबर इंक्लूड नहीं है, अगर क्लोज रहता तो इंक्लूड होता, तो इसका मतलब जो आंसर होगा वो इतना ही होगा, ये होगा आंसर का पार्ट। मतलब क्या, एम बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0 to 1। पूछो यहां पर ओपन क्यों, क्योंकि भाई साहब ये तो क्लोज बोल रहा है, ये बोल रहा है भैया मेरे पास नहीं है, आप कॉमन की बात कर रहे हो तो कॉमन का मतलब ये होता है जो तीनों के पास हो, इसलिए 0 से 1। कोई दिक्कत, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है वन रूट इज स्मॉलर देन टू, वन रूट इज स्मॉलर देन टू एंड अदर रूट इज ग्रेटर देन टू।
वन रूट इज स्मॉलर देन टू, अदर रूट इज ग्रेटर देन टू। याद करो कल मैं लिखा के दिया था, एक रूट अगर एक नंबर से छोटा है और एक नंबर से बड़ा है तो कंडीशन क्या होगा? क्या बोला है भाई? वन रूट इज क्या बोला है भाई? वन रूट किससे छोटा है और दूसरा रूट क्या है? पक्का? इसका मतलब जो रूट्स बनेगा, जो बनेगा इसका मतलब कहीं ना कहीं मैं मान लू कि भाई साहब वो जो नंबर होगा टू, वो टू जो होगा कहीं ना कहीं यहां लाई कर रहा होगा। एक रूट से ये अल्फा है और ये बीटा है, तो ये अल्फा जो है टू से छोटा है और ये बीटा जो है टू से बड़ा है। यही तो बोल रहा था वो, यही बोला ना उसने। क्या बोला? कि एक रूट जो है टू से छोटा है, दूसरा रूट क्या है? टू से बड़ा है। तो भाई मैंने वहां पे कंडीशन लिखा के दिया था, इस केस में क्या करना? क्या आप माइनस बी बाई टू ए का सहारा लोगे? नहीं ले पाओगे। क्या ले पाओगे? तो यहां पर एक रूट ये है। इसका मतलब इस पे कैसा मिलेगा, फंक्शन कैसा मिलेगा? एफ ऑफ अल्फा अगर मैं निकालू, अच्छा मैं को ये बता, ये एफ ऑफ टू कैसा है? निगेटिव है। एफ ऑफ टू कैसा है? निगेटिव है। पक्का? अगर ये निगेटिव है और ए कैसा है? पॉजिटिव है। तो ए इंटू एफ ऑफ टू क्या होगा? निगेटिव होगा। पक्का? पक्का ना? कंडीशन ये बनना चाहिए ना भाई, ए इंटू एफ ऑफ टू क्या होना चाहिए? लेस देन जीरो होना चाहिए। अरे बोलो यार, तो कंडीशन ये कि ए इंटू एफ ऑफ टू। अच्छा कभी अगर आप ऐसा बोलोगे सर, मान लो अगर ये हुआ, दूसरा कंडीशन मैं ऐसा लेता हूं, ऐसा कि सर ये भी केस हो सकता है क्या? रूट्स यहां पे आ गया अल्फा, ये रूट्स आ गया बीटा, ये भैया टू आ गया। अरे बोलो यार, एक रूट्स टू से छोटा है, दूसरा रूट टू से बड़ा है। अरे है नहीं है? तो यहां पर भी अगर मैं एफ ऑफ टू निकालू, एफ ऑफ टू पॉजिटिव है, ए निगेटिव है और प्लस इंटू माइनस माइनस, इसका मतलब ए इंटू एफ ऑफ टू इज लेस देन जीरो। यहां पर भी वही आ रहा। अरे आ रहा नहीं आ रहा? पक्का आ रहा है? तो क्या लिखोगे यहां पे? ए एफ ऑफ टू इज लेस देन जीरो, वहां से निकालो कंडीशन आ जाएगा। तो क्या निकालोगे? ए एफ ऑफ टू इज लेस देन जीरो, ए तो वन है, एफ ऑफ टू आप निकाल सकते हो। क्या करोगे? जो गिवन फंक्शन है वहां पर क्या करेंगे? एक्स के प्लेस पे टू पुट करेंगे। एक्स के प्लेस पे टू पुट करोगे तो क्या आएगा भाई? फोर माइनस एम माइनस थ्री इंटू टू प्लस एम लेस देन जीरो। फोर माइनस टू एम और माइनस माइनस प्लस कितना? सिक्स प्लस एम लेस देन जीरो। तो क्या मिल गया? सिक्स प्लस फोर टेन माइनस एम लेस देन जीरो। एम का वैल्यू क्या आ गया भाई? बोलो एम का वैल्यू क्या आ गया? चलिए ये आता है निकालना कि नहीं आता है? अरे यार चलिए, साइन को उधर फेंकोगे बंदा चेंज होगा, तो एम ग्रेटर देन टेन। पक्का? कोई दिक्कत तो नहीं है? सोच लिया, समझ लिया? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, पॉइंट नंबर क्या है? मैंने ये पॉइंट लिखा के दिया था और वहां पे लिखा भी था, इस केस में डिस्क्रिमिनेंट निकालने की रिक्वायर नहीं, नो नीड है, कोई है ना, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है? इसलिए पॉइंट पढ़े आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर क्या है बेटा? नाइन। देखो प्रॉब्लम एक ही है, उसके सब क्वेश्चन आ रही है ना, क्वेश्चन नंबर नाइन, ठीक है? Both the roots are greater than 2. दोनों के दोनों रूट्स 2 से ग्रेटर हैं, तो बताइए दोनों के दोनों रूट्स 2 से ग्रेटर हैं, इसका मतलब ये वाली कहानी है, अल्फा बीटा
अरे याद करो ना यार, सब तो बताया है। अरे भाई कम से कम कॉपी तो पलट लिया कर यार, जो लिखा के दिया है कल। दोनों रूट्स, हाँ दोनों रूट्स अगर हैं तो इसका मतलब पहला कंडीशन मैंने बताया था इस केस में कि भाई साहब आप ये बोल सकते हो, ये यहाँ पर माइनस बी बाई टू ए का हेल्प दे सकता हूँ मैं, यहाँ लेना पड़ेगा कि भाई माइनस बी बाई टू ए जो होगा वो इससे ज्यादा होगा। अरे होगा नहीं होगा, मतलब पहला कंडीशन क्या बोला था मैंने कि माइनस बी बाई टू ए इज ग्रेटर देन के बोला था। दूसरा कंडीशन क्या बोला था भाई, दूसरा क्या बोला था, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन, अच्छा ग्रेटर देन इक्वल टू होगा या ग्रेटर देन होगा, क्योंकि दोनों रूट्स बोला है। हो सकता है अगर ये टच भी कर जाए, अगर कभी किसी केस में दुनिया में कभी टच भी हो जाएगा अगर, तो भी भैया दोनों के दोनों रूट ज्यादा होंगे। अरे होंगे, इसलिए डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो थर्ड केस। अब आपको ये बोला था चेक करना ए पॉजिटिव है और एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पॉजिटिव है तो उनका मल्टीप्लिकेशन हमेशा क्या आएगा, ग्रेटर देन जीरो आएगा। तो यहां पर भी आएगा, यहां पर भी आएगा, आएगा आएगा, कैसे आएगा, ए एफ ऑफ टू बोला है ना, ए एफ ऑफ टू बोला है ना, अरे बोलो ना, तो ए मतलब क्या पॉजिटिव है, एफ ऑफ टू कैसा है, कैसा है पॉजिटिव है, तो ए एफ ऑफ टू क्या मिल रहा है ग्रेटर देन जीरो। ए कैसा है, ए निगेटिव है, निगेटिव लिखकर वैसा बनता है ना भाई, ए निगेटिव के लिए कर वैसा बनता है और ये एफ ऑफ टू के लिए माइनस माइनस प्लस है ना। तो इस केस में क्या बनता था, ए एफ ऑफ टू इज ग्रेटर देन जीरो। तीन केस में से जो भी आपके कॉमन्स आएंगे वो आपके आंसर होंगे। आपको ये पता है माइनस बी बाई टू ए मतलब एम माइनस थ्री बाई टू ए ग्रेटर देन के, मतलब के मतलब कितना है, के कितना है टू है, के क्या है टू है ना, एम माइनस थ्री ग्रेटर देन फोर, एम ग्रेटर देन सेवन, पहला केस। दूसरा आपने निकाला है ऑलरेडी, निकाला है टाइम वेस्ट मत कर, क्या आया था एम बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से वन यूनियन नाइन टू इंफिनिटी। तीसरा एफ ऑफ टू भी निकाला है सर, निकाला है ना, अरे इससे पहले वाले निकाला है भाई, क्या आया था, क्या आया था एम ग्रेटर देन टेन आया था। ये सब आपने पहले निकाला है भाई पहले वाले पॉइंट पॉइंट में है ना। अब तीनों की बात कर रहे हैं तो तीनों में क्या निकालोगे भाई, कॉमन निकालोगे, कॉमन निकालोगे ना, वहां लेस देन निकाला था क्या आपने, हाँ वहां आपने लेस देन निकाला है, तो यहां पे क्या आ जाएगा एम लेस देन टेन आ जाएगा। इससे पहले वाले में आपने क्या निकाला था, लेस देन निकाला था तो ग्रेटर देन आंसर आया था, अब यहां पे ग्रेटर देन है तो क्या आएगा, लेस देन आएगा। ठीक है चलिए तीनों में कॉमन की बात कर लेते हैं। अब माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी नंबर बताना भाई, क्या क्या नंबर है, वन है, सेवन है, नाइन है, टेन है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। अब आपकी इच्छा ये होगी कि सर ये बोला है सेवन से ज्यादा, सेवन से ज्यादा का पार्ट अगर मैं देखूं तो सेवन से ज्यादा कौन, तो सेवन से ज्यादा ये, क्या ये क्लोज है, नहीं ओपन है। सर ये बोला है माइनस इंफिनिटी से वन, माइनस इंफिनिटी से वन वाला पॉइंट ये वाला है, उसके बाद 9 टू इन्फिनिटी, 9 पे क्लोज इंटरवल इन्फिनिटी चला गया। अब m जो m की जो वैल्यू होगी वो किससे बोला भाई, 10 से छोटा, तो 10 कहाँ पे है ये, तो 10 से छोटा मतलब कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। सर तीनों में कॉमन की बात करूँ तो तीनों तलवार अगर देखूँ मैं, तीनों कहाँ कहाँ है, खोजो खोजो खोजो, अच्छा दिखा दिखा दिखा, ये कटिंग मारा क्लोज के साथ और ये कटिंग मारा ओपन के साथ, मतलब आंसर जो दिख रहा है आपको पास वो दिख रहा कि एम का जो वैल्यू होगा होगा ये नाइन को लेके आएगा, नाइन को लेते हुए आएगा और टेन को छोड़ देगा। समझ में आया, आंसर इज नाइन टू टेन, ओपन इंटरवल क्लोज इंटरवल ऑफ, कोई दिक्कत तो नहीं है, समझ में आ गया ना पक्का। नेक्स्ट क्वेश्चन पॉइंट नंबर टेन क्या है, लिखिएगा क्या है एग्जैक्टली, सॉरी
कौन सा पॉइंट क्या था, 10 वाला, बोथ द रूट्स आर ग्रेटर देन 2 था ना। अब लिखेंगे बोथ द रूट्स आर स्मॉलर देन 2, बोथ द रूट्स आर स्मॉलर देन 2, कर पाओगे? बोथ द रूट्स आर स्मॉलर देन 2, आपसे उम्मीद करूं नहीं है? सिर्फ यहां पर फर्क पड़ने वाला है ना, स्मॉलर देन के लिए नंबर इधर और ये इधर, मतलब माइनस बी बाई टू ए क्या छोटा होगा, याद करो यार, वो पल छोटा होगा, छोटा होगा, डिस्क्रिमिनेंट तो वही रहेगा, डिस्क्रिमिनेंट वही रहेगा, ये क्या होगा, ए इंटू एफ टू क्या होगा, सेम रहेगा भाई, कर्व तो वैसा ही है ना। अरे भाई ये नंबर तो ऐसा हो गया ना आपका, टू इधर आ गया, दोनों रूट छोटा है तो क्या आ रहा है, ए पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, मतलब ये तो पॉजिटिव रहेगा। तीनों कंडीशन कॉमन निकाल लीजिए, जल्दी से आंसर निकाले तीनों से कॉमन। क्या रहा आंसर कॉमन? नहीं आ रहा, बताऊं क्या क्या आ रहा? वन टू माइनस इनफिनिटी, वन टू माइनस इनफिनिटी या माइनस इनफिनिटी टू वन, यार बोलना तो सही कर यार। अब इससे पूछा जाएगा भाई तू किस प्रोसीडेस में रहता है, तो बोलेगा मैं कहाँ रहता है, किस प्रोसीडेस में रहता है, चाइना के बॉर्डर में, पाकिस्तान। तो फिर पाकिस्तान बोले शर्म लगता है तेरे को, ये नहीं बोलेगा कि हाँ इंडिया पाकिस्तान दोनों भाई थे, इंडिया से पाकिस्तान निकल गया, शर्म लगता है? नहीं, पाकिस्तान नहीं, चाइना में रहते हैं, चाइना मेरा पड़ोसी देश है, नेपाल है, जानवर। अच्छे से बोलना, माइनस इनफिनिटी से, माइनस इनफिनिटी से वन तक, शर्म लगता है? नहीं सर। हाँ जी सनी कहा गया था, अब बोलो ये नंबर क्या क्या है, 1 7 9 10, अरे बोलो सही है। पहला बोला उसने क्या, माइनस इनफिनिटी, सॉरी एम की वैल्यू कितना, 7 से छोटा, छोटा भाई मेरे मतलब इधर। दूसरा बोला माइनस इनफिनिटी से वन पे ओपन, अच्छा क्लोज, दिल पे मत ले, हाँ 9 to infinity। तीसरा बोला दहा से कम कितना रे, जब तक है जान। तीनों में कॉमन अगर निकाला, ये इन्फिनिटी को ले लिया, माइनस इन्फिनिटी को, और ये वन को भी खा गया, तो आंसर आएगा एम बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से वन क्लोज इंटरवल। कोई दिक्कत? नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 11 लिखिएगा, 11 है ना, बोथ द रूट्स लाइज इन इंटरवल 1, 2, बोथ द रूट्स लाइज इन इंटरवल 1, 2, दोनों रूट जो है वो 1, 2 इंटरवल में लाई कर रहा है। जल्दी दोनों रूट्स लाई कर रहा है आपका, कहां पे, 1 से 2 के बीच में लाई कर रहा है आपको, उसकी कंडीशन निकालनी है, लिखा के दिया है पॉइंट, चलें
बताएं क्या होगा? पहला, हाँ भाई दोनों रूट्स की बात कर लें एक बार, यहां देख लो, एक आपका वन यहां पे है, टू यहां पे मान लो, है ना, दोनों रूट्स क्या बोला है आपको? वन टू, ये अल्फा है ये बीटा है, दोनों रूट्स कहां लाई कर रहे हैं? इन दोनों के बीच में लाई कर रहे हैं। इसका मतलब एक कंडीशन क्या आएगा भैया बताओ? डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा, पक्का, इसमें कोई शंका तो नहीं है। दूसरा आप बोलोगे ए टाइम्स ऑफ एफ ऑफ टू भी ग्रेटर देन जीरो होगा, अरे बोलो। तीसरा, दोनों रूट्स जो है वो कहां लाई कर रहा है? वन से टू के बीच में लाई करेगा, अरे बोलो यार। इसका मतलब माइनस बी बाई टू ए, माइनस बी बाई टू ए लाइज बिटवीन वन एंड टू, अरे बोलो यार। तो तीसरा कंडीशन माइनस बी बाई टू ए लाइज बिटवीन वन एंड टू, तीन केस से निकालने कंडीशन आ जाएंगे आपके, नहीं आ जाएगा? ये आपने निकाला है पहले, ये आपने पहले निकाला है एम बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू वन यूनियन नाइन टू इन्फिनिटी, ये भी आपने कितनी बार निकाला है? क्या आया था एफ ऑफ टू ग्रेटर देन जीरो के लिए, क्या आया था बताओ? एम लेस देन टेन ग्रेटर देन के लिए क्या आया था? लेस आया था ना। और ये बताओ माइनस बी बाई टू ए कितना हो गया? माइनस बी बाई टू ए, माइनस बी मतलब एम माइनस थ्री प्लस, है ना, बाई टू ए मतलब टू, इसका मतलब एम माइनस थ्री बाई टू लाइज बिटवीन वन से टू, बोलो। हाँ यही कर रहा ना, इसका मतलब मैंने टू से मल्टीप्लाई कर दिया बोथ साइड, तो एम माइनस थ्री ऐसा होगा, अरे होगा, दोनों साइड अपन ने ऐड कर दिया, कितना थ्री ऐड कर दिया, तो ये फाइव होगा, ये सेवन होगा, मतलब एम कहां से कहां लाई कर रहा है? फाइव से सेवन के बीच में लाई कर रहा है। तीनों में कॉमन निकाल लें, एफ ऑफ वन कौन सा ए एफ ऑफ, हाँ वो भी ले सकते हैं आप, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो माइनस बी बाई टू ए, और अपन ने क्या लिया, और क्या लिया यहाँ पे, ए एफ ऑफ टू फोर बचा, अच्छा यहाँ पे दो कर ले लो ना, ए एफ ऑफ टू आ गया और क्या है एंड, है ना, ये एफ ऑफ टू, दूसरा एफ ऑफ वन भी निकाल लो, तो वहां एम नहीं बचता ना, तो छोड़ दे, वो काम का नहीं कंडीशन है, फिर ये काम का कंडीशन है। तीनों से कुछ कॉमन निकालो, देखो कॉमन आ रहा है कुछ, तीनों से कुछ कॉमन निकालिए भाई, कॉमन आ रहा है क्या? शायद कुछ कॉमन नहीं आएंगे आपके, जब कॉमन निकालोगे तो कुछ भी कॉमन नहीं दिखेगा आपको उसमें। कॉमन नहीं आ रहा कुछ भी, तो कोई भी एम एग्जिस्ट नहीं कर रहा। कॉमन निकालेंगे तीनों में, कुछ भी कॉमन नहीं है, एक बोल रहा है फाइव से सेवन, एक बोल रहा है दस से छोटा, और दूसरा बोल रहा है माइनस इन्फिनिटी से वन नाइन से इन्फिनिटी, तीनों में कुछ कॉमन आ रहा क्या? कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, ठीक है, इसका मतलब नो सच एम एग्जिस्ट, कोई भी एम एग्जिस्ट वहां पर नहीं करेगा, ठीक है। आखिरी पॉइंट लिखे इसके, एग्जैक्टली वन रूट्स लाइज इन इंटरवल, एग्जैक्टली वन रूट्स लाइज इन इंटरवल वन कॉमा टू, एग्जैक्टली वन रूट्स लाइज इन इंटरवल वन कॉमा टू, याद करो क्या बताया था, एफ ऑफ वन इंटू एफ ऑफ टू इज लेस देन जीरो, एग्जैक्टली वन रूट्स लाइज इंटरवल, तो एक पॉजिटिव और एक निगेटिव आएगा ना, तो एफ ऑफ वन इंटू एफ ऑफ टू इज लेस देन जीरो से कंडीशन आ जाएगा आपका, एग्जैक्टली वन रूट्स लाइज इंटरवल वन टू अल्फा, तो ये पॉजिटिव और ये निगेटिव है ना, तो एफ ऑफ वन इंटू एफ ऑफ टू
इज लेस देन जीरो, निकाल लें फट से आंसर, आंसर बताएं जल्दी से क्या आ रहा है। एफ ऑफ वन कितना रहा बेटा, वन पुट किया यहां पे ना, तो वन और ये तो m माइनस m है ना, प्लस थ्री ना, प्लस थ्री आ रहा ना भाई वन पुट करने पे, वन प्लस वन, अच्छा वन पुट गया ना पे, हाँ सॉरी वन माइनस m प्लस थ्री और प्लस m, तो सिर्फ यहां से आपका फोर आ रहा है ना, इनटू एफ ऑफ टू पुट करो, एफ ऑफ टू पुट करने पे क्या आ रहा है, फोर माइनस टू पुट किया ना, तो माइनस टू एम प्लस सिक्स राइट है, क्या ये आ रहा क्या भाई, चलिए तो ये आ गया फोर, तो सिक्स प्लस टेन है ना, तो टेन माइनस एम, उसको उधर फेंक दे कोई दिक्कत नहीं है, दस को है ना, तो माइनस कॉमन निकाल लें, एम माइनस टेन लेस देन जीरो, इसका मतलब m माइनस टेन ग्रेटर देन जीरो, m की वैल्यू 10 से ज्यादा, आंसर होगा m बिलोंग्स टू 10 टू इन्फिनिटी, तो शायद आपने 10 प्रॉब्लम कर ली इस टाइप के, ओके कोई दिक्कत नहीं है, इसके बाद नेक्स्ट हम लोग और क्वेश्चन देखेंगे इसके ऊपर, वो नेक्स्ट क्लास में, छाप लीजिए।